रिएक्शन में आज देखेंगे अखई नवंगनी, ऑफिशियल बोडो म्यूजिक वीडियो, मनीष स्वरगारी एंड जेनिफर देमारी। ये वीडियो का टाइटल है मैं आपका दोस्त संजय, नमस्कार खुलुम भाई स्वीकार करें। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा, तो आ जाइए कभी इंस्टाग्राम पे। इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। नाइस इंट्रो। आओ कमाल क्या क्यूट लग रही है मैम सोते टाइम। मैम डॉक्टर है। आंगनीन बेजीवनी लमाया बिखाया गेंखनाय रावनी बनोंगा नंगनी थाखाईलो खोंठाईली रे उसके आंसू है उनके। तो गाइज ये था सॉन्ग। यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं
एक साल से ज़्यादा हो गया रिएक्शन दे रहा हूँ, पर ये सॉन्ग मैं कहाँ भूल गया था। सच में ये सॉन्ग 5 मिलियन के आसपास गया है, पर ये 100 मिलियन डिज़र्व करता है। सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था यार, क्या सिंगर की आवाज़ थी, वाव। और उन्होंने इतना ब्यूटीफुल गाया इसको, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत ही हसीन सपना देख रहा हूँ, जो कि मेरे ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल सपना है, उस तरीके से लग रहा था। और मैं इतना इस सॉन्ग में डूबा हुआ था, मैं फील कर रहा था उनके एक्टिंग को, इस स्टोरी को, सिंगर की आवाज़ को और म्यूज़िक को। इस सॉन्ग के म्यूज़िक को आप किसी भी सॉन्ग के म्यूज़िक से साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एक मास्टरपीस कह सकते। इतना ब्यूटीफुल म्यूज़िक था और इतने ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं इसमें। सिंगर की बात करूं तो क्या गाया है उन्होंने, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है सर, माँ की कसम कि मैं आपकी तारीफ कर सकूं कि मुझे कितना अच्छा लगा म्यूज़िक और सिंगिंग। अब बात करते हैं मनीष सर की और मैम की। यार क्या एक्टिंग निभाई इन दोनों ने। बस इंसान की आँखों में हमेशा सैड सॉन्ग देखते हुए गम के आंसू आते हैं, आज मेरी आँखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या ब्यूटीफुल स्टोरी और कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग निभाई। मैम के एक्सप्रेशंस आप बस देखते रहते हैं उनको, और सर के एक्सप्रेशंस भी उतने ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। बॉडी लैंग्वेज दोनों की कमाल की है, और क्या एक्टिंग की है दोनों ने, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। स्टोरी ये है कि एक लव बर्ड जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, फ़ोन कान पे लगा के सो जाते हैं, और सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने के सपने देखते हैं, और जब वो भगवान से विश भी मांगते हैं। पर जब वो मैम डॉक्टर है और सर पढ़े लिखे इंसान है, पर एक बार उनके पापा, घर वालों को हर चीज़ के बारे में पता चलता है कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनके पापा को महसूस होता है ये चीज़ कि उनके बेटे का कहीं पे कुछ चल रहा है, तो नज़र रखते और रोक लेते रास्ते पे। वो यार भगवान करे हर किसी के माँ बाप इतने समझदार हों तो बहुत अच्छा होगा। तो वो उनको बताते हैं कि आप कुछ करो पहले, उसके बाद हम आपकी इनकी शादी आपके साथ ही करा देंगे। और सर इंटरव्यू देते, उस वक्त मैम ऐसा लग रहा था कि यार उससे ज़्यादा मैम बहुत ज़्यादा नर्वस थे। फिर घर पे आते मैम का हाथ मांगते, और मेरा दिल जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़का, तो वो सर जैसे मैम का हाथ सर के हाथ में देते उनके पापा, वो वाला सीन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और उस वक्त जैसे मैम उनकी तरफ़ देखते हैं और जैसे उनके एक्सप्रेशंस रहते हैं, वो जैसे होता है ना कि आप फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीते कोई टीम, और उस वक्त जैसे फैंस के और उन प्लेयर्स के एक्सप्रेशंस रहते हैं, उसको उसके साथ भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शादी इतना इतना स्पेशल मोमेंट होता है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, जिसका सपना हर कोई बचपन से देखता है कि मेरा साथी कैसा होगा। और गर्ल्स तो बॉयज़ से बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में। तो ये मतलब इस सॉन्ग को मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, पर मैं इस सॉन्ग के साथ बह रहा था कि जैसे कोई पहाड़ से गिरती हुई नदी हो और उसके साथ मैं बहुत ज़ोर से पानी के साथ बह रहा हूँ, उस तरीके से लग रहा था। और मैं गहरी नींद में हूँ और मेरे ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन सपना देख रहा हूँ, उस तरीके से मेरे फीलिंग्स थे। पूरे फीलिंग्स में फिर भी आपके सामने वर्ड्स में नहीं पिरो पा रहा, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आप सबसे कि मेरे पूरे फीलिंग्स में आपके सामने नहीं रख पाया। और इसमें इतना कमाल का कैमरा वर्क रहा है, सचिन सर का डायरेक्शन, सर आपको सैल्यूट है आपके डायरेक्शन को, आपके काम को, मुझे बहुत पसंद आया। कैमरा वर्क, डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम्स भी जिस तरीके से यूज़ किए हैं, जैसे सेट बनाया पूरा, जैसे लोकेशंस का यूज़ किए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट को भी भूल के नहीं चलेगा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, सब लोगों का काम अमेजिंग रहा। मुझे बहुत पसंद आया फ्रेंड्स ये सॉन्ग। आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।
जय हिंद।